और चलिए अब बात सियासी जगत की, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां मिशन 2023 की तैयारी में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आज से बैठकों का दौर भी बीजेपी में शुरू होने जा रहा है। दो दिनों तक दर्जन भर से ज्यादा बैठकें होंगी। सबसे पहले आज जिलाध्यक्ष प्रभारियों की बैठक होगी, कोर ग्रुप की भी प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दोपहर 12 बजे से ये बैठक लेंगे। तो 2023 की तैयारी बीजेपी की शुरू हो चुकी है और आपको बता दें, आज से बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। इन बैठकों से जुड़ी हुई विस्तार से जानकारी हम लेंगे। सीधे रुख करते हैं रायपुर का, जहां से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं आदित्य जी, बैठकों का दौर आज से बीजेपी में शुरू होने जा रहा है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठकें और 2023 की तैयारी से माना जाए बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से प्रदेश में, अगर मैं राजनीतिक क्रम की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा, अगर स्पीड की हम बात करें तो जो 14-15 साल लगातार सत्ता में रही, 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, लेकिन वो एग्रेशन नहीं नज़र आ रहा है, विपक्ष की भूमिका में नज़र नहीं आ रहे हैं। शिव प्रकाश वही हैं जिन्होंने बंगाल की चुनौती संभाली थी, जिन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया। अब छत्तीसगढ़ की बारी है। फिलहाल आज 11 बजे से इस बैठकों का दौर शुरू होना है। सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है कोर ग्रुप। कोर ग्रुप में डिसाइड होता है आगे आगामी 3 महीने की क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जितने भी अभी चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, लगभग सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, धन बल और प्रशासनिक बल के दौर के कारण जो है कांग्रेस जो सत्ता पे काबिज हुई है, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखिए, जिसकी सरकार रहेगी वो प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल सरकार में रही है, वो भी नगर निगम चुनाव जीतने के लिए, पंचायत चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास उसने भी किया, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फील्ड से गायब दिख रही है, बड़े बड़े मुद्दे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सड़क पर नहीं आ पा रही है, वो विरोध जो विपक्ष का होना चाहिए, वो जो सशक्त विपक्ष की जो भागीदारी होना चाहिए, वो भागीदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र नहीं आ रही है। शिव प्रकाश का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। पहले देखिए डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन भी आने वाले थे, ये दोनों का दौरा रद्द हुआ है, केवल शिव प्रकाश आ रहे हैं और शिव प्रकाश पूरी बैठकों को यहाँ पर लेंगे। 11 बजे से कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, इसमें सभी बड़े नेता, रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से निभाई जा सकती है इन बैठकों में, यही सार निकल कर कल शाम तक, क्योंकि आज पूरा दिन भर बैठकों का दौर है, कल भी कई संभागों की बैठकों का दौर है, तो कल शाम तक पूरी चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन हाँ, विपक्ष को और मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए शिव प्रकाश का दौरा आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, जान फूंकने की कोशिश, जोश भरने की कोशिश कहा जा सकता है आदित्य जी, जो आज की जाएगी इन बैठकों के जरिए। बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो आपको बता दें, आज से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है बीजेपी में। दो दिनों तक दर्जन भर से ज्यादा बैठकें होंगी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे।